अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम टेक्नो कैमन 19 प्रो के बारे में, आर्ट एडिशन के बारे में बात करेंगे और ये एडवाइस आपको आर्ट एडिशन के नाम से देखने को मिलेगी, जानी जाएगी, लेकिन टेक्नो कैमन 19 प्रो है। और देखा जाए तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जो इसकी लुक देखने को मिलेगी, एक अलग ही होगी। और इस स्मार्टफोन में आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन देखने को मिलेगा। और ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों, बहुत ऐसी टेक्नो की डिवाइसेस देखी होंगी आपने या किसी और ब्रांड्स की देखी होंगी, लेकिन इस तरह का डिजाइन, इस तरह की लुक आपको बहुत कम डिवाइसेस के अंदर देखने को मिली होगी। लेकिन दोस्तों, आप टेक्नो कैमन 19 प्रो के अंदर आप जो फीचर देखोगे, जो स्पेसिफिकेशन देखोगे, जो डिजाइन देखोगे और खास तौर पर कैमरा देखोगे, तो एक तबाही का होगा। और देखा जाए तो ओवरऑल सारी स्पेसिफिकेशंस आपको टॉप पर देखने को मिलेगी। और इस डिवाइस की, टेक्नो कैमन 19 प्रो की, आपको प्राइस भी इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। बाकी खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और देखा जाए तो स्मार्टफोन की प्राइस की बात करेंगे और लॉन्च डेट की भी बात करेंगे कि स्मार्टफोन को पाकिस्तान और इंडिया के अंदर कब लॉन्च किया जाएगा, कितनी प्राइस के अंदर लॉन्च किया जाएगा और इस प्राइस के अंदर हमें क्या वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलेगा, क्या हमें इस प्राइस के अंदर इसे बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा कि यार हमें इस प्राइस के अंदर बाय कर लेना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक देखती रहिएगा, इस डिवाइस के बारे में आपके तमाम डाउट क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ आपको एमोलेड पैनल देखने को मिलता है और इस स्मार्टफोन में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। देखा जाए दोस्तों, आपको रिफ्रेश रेट काफी अच्छा दिया गया है। और यहां पर दोस्तों, टेक्नो के पहले हमें स्मार्टफोन देखने को मिलते 90 हर्ट्ज के अंदर देखने को मिलते थे, लेकिन अब आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के अंदर भी देखने को मिलते हैं। और देखा जाए तो टेक्नो जो कि इन्फिनिक्स नॉट 12 सीरीज हमें देखने को मिली है, बिल्कुल दोस्तों जिस तरह की स्पेसिफिकेशंस हमें उसके अंदर देखने को मिली है, लेकिन उस तरह की डिजाइन हमें काफी कमाल की देखने को मिल रही है। लेकिन उसी के मुकाबले में मेरे ख्याल से टेक्नो कैमन 19 प्रो भी लॉन्च करने जा रहा है। और देखा जाए तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन को थोड़ा सा डिले कर दिया गया, जो कि हमें इसी मंथ के अंदर देखने को मिलना था, लेकिन दोस्तों अब इसे डिले कर दिया, जो कि अगले मंथ के अंदर देखने को मिलेगा। पहले हमें टेक्नो पोवा 3 देखने को मिलेगा, उसके बाद हमें ये डिवाइस भी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जरूर देखने को मिलेगी। अब यहां पर बात करेंगे दोस्तों इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस वाइज की। तो दोस्तों, आउट ऑफ द बॉक्स इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों एंड्रॉइड 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। बात करेंगे चिपसेट की, जो कि हमें स्मार्टफोन में अभी एक्सपेक्ट नहीं है कि कौन सा चिपसेट देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरह के आपको इन्फिनिक्स नॉट 12 सीरीज के अंदर जो चिपसेट देखने को मिल रहा है, उसी के राउंड आपको इस डिवाइस के अंदर भी चिपसेट जरूर देखने को मिलेगा। एक हाई लेवल का चिपसेट मुझे नहीं लगता कि टेक्नो कैमन 19 प्रो के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों, अगर बात कर ली स्मार्टफोन के वेरियंट की, तो 6GB रैम के साथ 128GB मेमोरी होने वाली, 8GB रैम के साथ 128GB है और 8GB के साथ 256GB मेमोरी भी होने वाली है। बाकी देखा जाए दोस्तों, 8GB 128GB वाला वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों, बात करेंगे स्मार्टफोन की कैमरे वाइज की। दोस्तों, स्मार्टफोन के बैक साइड पर मेन सेंसर जो है वो 108 मेगापिक्सल के अंदर देखने को मिलेगा, सेकंड आपको 8 मेगापिक्सल या 2 मेगापिक्सल के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन थर्ड आपको 2 मेगापिक्सल के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों, सेल्फी इसकी जो है वो 16 मेगापिक्सल होने वाली है, इससे नीचे बिल्कुल भी नहीं होने वाली, जो कि आपको इसी के अराउंड जो है वो इससे ऊपर ही शायद आपको 32 मेगापिक्सल के अंदर इसकी सेल्फी भी देखने मिल जाए, लेकिन इनके आपको दोनों में आपको एक कैमरा जरूर देखने को मिलेगा, एक सेल्फी जरूर देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों, बात करते हैं अब स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, जो कि हमें स्मार्टफोन में जो पैनल देखने को मिलता है, जो काफी हद तक हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, और देखा जाए रिफ्रेश रेट भी हमें अच्छा दिया गया, स्क्रीन का साइज भी हमें अच्छा दिया गया। लेकिन दोस्तों, अगर बात कर ली जाए दोस्तों स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो इसमें आपको अंडर डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। यहां पर देखा जाए तो हमें साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं है कि हमें साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, तो हमें अंडर डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट सेंसर जरूर देखने को मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों बैटरी की, जो कि हमें 5000 एमएएच की बैटरी देखने को मिलेगी इस डिवाइस के अंदर। बाकी दोस्तों, इस डिवाइस का जो चार्जर है वो हमें 67 वाट या तो हमें 120 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा जो पहले हमें इन्फिनिक्स की जो सीरीज देखने को मिली, उसमें हमें 120 फास्ट वाट चार्जिंग देखने को मिली है, 120 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है। उसी तरह दोस्तों, उसी के राउंड आपको इसमें बीच चार्जर देखने को मिलेगा, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग लगता है कि नहीं होगा, लेकिन इससे ऊपर ही होने वाली है, जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि 120 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाए। बाकी दोस्तों, अगर बात कर ले स्मार्टफोन की प्राइस की, तो ये डिवाइस के अंदर अगर प्राइस की बात कर ली जाए, जिस तरह से डॉलर की प्राइस बढ़ती जा रही है, और इसीलिए डॉलर की वजह से, डॉलर की प्राइस बढ़ने की वजह से इस स्मार्ट
परफ्यूम को, इस सीरीज को जो है वो डिले कर दिया गया, जो कि हमें अगले मंथ के अंदर कर दिया गया। लेकिन इससे पहले हमें इस डिवाइस की जितनी भी स्पेसिफिकेशंस थी वो हमें खास ही देखने को मिली है। और देखा जाए तो ये स्मार्टफोन अगर तो हमें 50,000 के अराउंड देखने को मिल जाए, इसी के अराउंड अगर 5,000 नीचे हो जाए या ऊपर हो जाए तो हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी होगा। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो स्मार्टफोन को जो लॉन्च डेट है इस मंथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा लॉन्च, जो कि टेक्नो पावर 3 अभी आएगा, उसके बाद ये डिवाइस हमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हमें ये डिवाइस देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और इंशाल्लाह ये डिवाइस जब भी लॉन्च होगी ना इसकी अनबॉक्सिंग जरूर इस चैनल पर इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितने भी चीजें हैं, जितनी भी डाउट है वो उस वीडियो में क्लियर करने की। तो बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, लाइक चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।